नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफताब लगातार पुलिस को प्रोफेशनल किलर की तरह गुमराह कर रहा है। आफताब ने पूछताछ में बताया कि हत्या में आरी के 3 ब्लेड का इस्तेमाल किया गया था। आरी और ब्लेड को गुरुग्राम के डीएलएफ में अपने ऑफिस के पास फेंके थे, लेकिन 2 दिन लगातार सर्च करने के बाद भी पुलिस को यहां कुछ नहीं मिला है। आज एक बार फिर यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और इस बार पुलिस आफताब को भी साथ लेकर जा सकती है। आफताब ने इससे पहले पुलिस के सामने हथियार जंगल में फेंकने की बात कही थी। वहीं श्रद्धा का सिर का हिस्सा फेंकने को लेकर भी कई बार अपने बयान बदल चुका है। वहीं यूपी के गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर थाना इलाके में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। बता दें, पुलिस बेहटा अंदर पास के नजदीक चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों को रोका तो पुलिस पर फायर करते हुए भाग गए। पुलिस ने आत्मरक्षा में बदमाशों पर गोली चलाई और गोली एक बदमाश के पैर में लगी और वो घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एसओजी जहां टीम द्वारा बेटा अंडरपास पे चेकिंग बैरियर लगाया गया था और चेकिंग किया जा रहा था, उसी दौरान एक काले मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध सवार नजर आए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने मोटरसाइकिल को काफ़ी तेजी से मुड़ा करके और भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा जब घेराबंदी किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए गोली चलाई, जिसमें कि एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में सफल हुआ। उधर बरेली के गंगापुर इलाके में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि हत्यारोपी शराब भट्टी के पास शराब बेचता है। युवक उसे शराब बेचने से मना करता था, जिसको लेकर देर रात दोनों के बीच विवाद हो गया और अपराधी ने गोली चलाकर युवक की जान ले ली। फिलहाल पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी है और मामले में आगे की जांच कर रही है। चला था, मेरे पास फोन आया बड़े वाले भैया का, गंगापुर चौराहे पे जाके देखो किसी ने गोली मार दी तुम्हारे भाई के। तो मैं वहाँ पहुंचा तो ये पड़ा हुआ था मेरा भाई वहाँ पर। पता चला कितने मार दी, क्यों मार दी? राहुल राहुल नाम आ रहा है, बाकी कैमरे में सबको आ जाएगा। गंगापुर चौराहे पे कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में सफा सफा आया किसी ने गोली मारी, पुरानी रंजिश के चलते हुआ है। मेरे बुआ का लड़का है, मुझे बताया कि सुजीत के किसी ने गोली मार दी। मैं आया तो जब जाया तो वहाँ पर लेटा हुआ था, फिर मैंने उसे अंकुश का फोन लगाया, वहाँ पर आया तो फिर मैं इसे अस्पताल लेके आया, इधर ला गया। मैं यहाँ भी कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अब यहाँ लाए तो फिर क्या क्या हुआ? यहाँ पे बताया कुछ है नहीं। उसका थाना बारात्री पर दिन के करीब 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि गंगापुर मोहल्ले में एक युवक की, जिसका नाम सुजीत राजपूत बताया गया था, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी, उसकी किसी व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचकर बारादरी पुलिस द्वारा तमाम सीसीटीवी खंगाले गए और सीसीटीवी की जांच पड़ताल से ये पता लगा कि एक राहुल नाम के व्यक्ति ने इस युवक की गोली मारकर हत्या की है। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, यहाँ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उधर यूपी के महोबा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इस जिले में दिन दहाड़े चोरी डकैती की घटनाएं सामने आ रही है। इतना ही नहीं, दबंगों ने एक परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें लहूलुहान कर दिया, जिनका इलाज मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में चल रहा है। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर नजरअंदाजी का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने इन दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनके इस मंसूबे पर लगातार पानी फिरता जा रहा है, जिसका उदाहरण लखीमपुर खीरी में देखने को मिला है, जहां अलबत्ता दुधवा स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार सवारियों से भरी एक कार सड़क पर बने गड्ढों से अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, जिसके चलते इस दर्दनाक हादसे में 2 शिक्षकों समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो आ रहे थे, पता नहीं ड्राइवर सो गया जाने क्या, और गाड़ी एकदम अचानक में पलट गई। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में होते 15-16-17 आदमी। कहाँ के रहने वाले थे सब लोग? सब जहाँ तहाँ के थे भैया। हम लोग शाहजहांपुर से बैठे, फिर आगे यहाँ पलिया के आगे रोड कटा था, गाड़ी ड्राइवर सो गया, नहीं जाने का हुआ, गाड़ी पलट गया, तो हम बड़ी मुश्किल निकल पाया, बिना तो ठौर मर गया भैया। कितने लोग थे लगभग गाड़ी में? गाड़ी में 11-12-13 आदमी थे, 5-6 तो मर गए। अच्छा, मिला करके। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।